प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं स्वच्छता मिशन को नहीं भूलते। मोदी ने लोगों से कहा कि मैदान में किसी भी तरह की गंदगी ना फैली रहे। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का हिसार के लोगों पर खासा असर भी देखने को मिला। जब रैली खत्म होने के बाद लोगों ने खुद वहां पर साफ सफाई शुरू कर दी। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित चौधरी ने। बेशक चुनावी रैली थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से सब लोगों को अपील की कि जैसे ही रैली खत्म होगी, जितने भी यहाँ पर पानी के गिलास हैं या दूसरी गंदगी है, लोग खुद उठाएं। यहाँ सामने आप देख सकते हैं उसका असर काफी दिख रहा है। भाई साहब, आप कहाँ से और ये सफाई का कैसे आपको? सर, हमारा छोटा सा NGO है, 12 महीने 12 काम सेवा समिति। हम मोदी जी के जो स्वच्छ भारत अभियान है उससे काफी प्रेरित है और उसमें योगदान कर रहे हैं। तो आप लोग रैली सुनने आए हुए थे या ये इसी काम से इसके लिए आए थे कि अगर रैली के बाद कुछ ऐसा हुआ तो हम? मोदी जी ने जब से केंद्र में सरकार बनाई है, पूरे इंडिया में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है और उससे हम भी प्रेरित हैं। हम भी इंडिया में एक बहुत तेजी से बदलाव देख रहे हैं और उस बदलाव का हिस्सा हम भी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारत है। तो ये भारत जी है, यहाँ पर अभी रैली खत्म होकर हटी है और मंच के आसपास जितना भी गंदगी बिखरी हुई है वो ये हटा रहे हैं। एक NGO चलाते हैं, बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को सुनने आए थे और उसके बाद यहाँ पर उनका जो मैसेज है उस पर अमल करते हुए यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। अगर आप सामने देखें, अमूमन रैलियों के बाद जितनी भी चुनावी रैली होती है उसके बाद इस तरह का नज़ारा नहीं मिलता कि इस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से सामने जो है जैसे कचरा इकट्ठा करके रखा गया है, किसी ने यहाँ पर इकट्ठा किया है और इसके बाद इसको यहाँ से उठा दिया जाएगा। अमूमन इस तरह का नज़ारा दिखता नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पर सामने देखें कि दरियों पर किसी तरह का अभी फिलहाल गंदगी नहीं है, काफ़ी साफ सुथरा जो ये सब दिख रहा है। ये शायद प्रधानमंत्री की अपील का एक नतीजा है, जिसके बाद चाहे छोटे बच्चे हैं या कुछ भी, ये सामने आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर, जितना भी यहाँ पर गंद है, यहाँ पर गंदगी फैली हुई थी, चाहे वो ग्लासेस थे, पीने के पानी के ग्लासेस थे, प्लास्टिक की कोई वस्तुएं थी, वो सब हटा उठाकर रख रहे हैं। अगर इसी तरह का सब लोग अपनी जिम्मेदारी सोच लें तो वाकई भारत की तस्वीर बदल जाएगी। चमन बुलाने के साथ अमित चौधरी, हिसार, IBN 7।